और हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। माय नेम इज सुमित मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। आप देख रहे हैं हमारी क्लास करंट अफेयर शो। क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? मुझे बस एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी क्लास में। आई थिंक आई एम लाइव गाइस। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे, सारी बात करेंगे आपसे, ठीक है? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ आज। और हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा मोटिवेशनल कोट जो है, मेक्स योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। ये एक बड़ी गंभीर लाइन है, मेक्स योरसेल्फ अ प्रायोरिटी, यानी अपने आप को प्रायोरिटी देना आपको सीखना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ड्यूरिंग द स्टडी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपने गोल के, जो हमारा गोल है उससे डाइवर्ट करती हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में कुछ काम आ जाए और जो टाइम हमारा स्पीड टेस्ट देने का है वो टाइम शायद हम स्पीड टेस्ट ना दे पाएं। मे बी घर पे शादी पड़ गई या रिलेशन में शादी पड़ गई, घर वाले फोर्स करें जाना है हमको वहाँ पे, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसपे आप अपना जो लक्ष्य होता है डे का कि हमें आज ये करना है ये करना है, उसमें आप शायद दूर चले जाते हो उससे। तो आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखना पड़ेगा, आपको लोगों को मना करना पड़ेगा। दोस्त यार हैं, सखी सहेलियाँ हैं, कुछ प्लान बन गया मूवीज़ का, आउटिंग का प्लान बन गया, एग्जाम पास में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घूमने मत जाओ बाहर या मूवीज़ मत देखो, अगर एग्ज़ाम पास में है या आपके जो अपने टारगेट्स हैं उसे आपको अचीव करना ही करना है, उसके बाद बाकी सारी बातें। भाई वर्क कम ऑलवेज फर्स्ट, काम हमेशा पहले आना चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ होना चाहिए। तो आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो हम मोटिवेशनल कोट में डे बाय डे सिखाते हैं आपको कि डेली आपको अपने अपने लाइफ में चेंजेस क्या करने होते हैं। तो ये आपको अपने लाइफ में चेंजेस करने हैं, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो ये बात मैंने समझाई है आपको बड़े भाई की तरह, और ये बात आपको समझनी भी है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं अपना सेशन और स्टार्ट करते हैं हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है गाइस। चलिए, हमेशा की तरह पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास रैंकिंग, रिपोर्ट और इंडिसेस। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारे एग्जाम में अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, रिपोर्ट से, इंडिसेस, रैंकिंग से। कैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज है? तो आज हमारे पास आपके लिए बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले गुड गवर्नेंस इंडेक्स 21, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 21 लॉन्च ऑन द गुड गवर्नेंस डे बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ द कॉरपोरेशन अमित शाह जी। तो दोस्तों को बताया कि 25 दिसंबर को हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे मनाया था, तो उस मौके पे हमारे देश में अमित शाह जी ने एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया। ये इंडेक्स क्या है? तो यहां पर हमने स्टेट वाइज कुछ रैंकिंग दी है, कौन सा स्टेट किस सेक्टर में बढ़िया काम कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है? तो आपको इतना ध्यान देना कि पहले ने पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च बाय द अमित शाह जी, ठीक है? ये कब लॉन्च हुआ? 25 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। क्या क्या पॉइंट इसमें है, आइए आपको दिखाते हैं। तो गाइस, जो पहला पॉइंट हमारे पास है उसमें इंफॉर्मेशन हम क्या दे रहे हैं पहली स्लाइड में, देखिए दोस्तों, पहले में कुछ नहीं है, क्यों नहीं बोला गया कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ द कॉरपोरेशन अमित शाह जी ने क्या किया था, गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया, ठीक है? कहां से लॉन्च किया? दिल्ली से लॉन्च किया। तो पहले साइड में कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं, आप ये जान चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इंफॉर्मेशन और है? देखो, तो ये जो गवर्नेंस इंडेक्स है प्रिपेयर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेस, DARPG। तो ये जो इंडेक्स है इसे DARPG ने प्रिपेयर किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेस, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो DARPG ने इसे प्रिपेयर किया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या बोला गया, सेक्टर्स एंड द इंडिकेटर्स टेक वाई प्रिपेयरिंग द इंडेक्स। तो अब इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने में क्या क्या सेक्टर्स लिए गए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? देखो क्या बोला गया, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 21 फ्रेमवर्क कवर्ड 10 सेक्टर्स और 58 इंडिकेटर्स। तो 10 सेक्टर्स और 58 इंडिकेटर्स पर ये इंडेक्स अपना बना है, 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडिकेटर्स पे ये आपका बना हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं गाइस, फिर देखते हैं एक बार क्या इंफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, अब ये 10 सेक्टर्स कौन कौन से, ये 10 सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 10 सेक्टर में दिखाऊं आपको, देखो तो 10 सेक्टर कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। ध्यान से देखिएगा, ये 3 सेक्टर स्टार्टिंग में और 4 सेक्टर्स यहाँ पे आपके सामने, और देखते हैं जुडिशियल एंड द पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ये टोटल 10 सेक्टर्स में आपकी रैंकिंग होगी स्टेट्स की, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। तो पहले ये देख लो, यहाँ पे
ठीक, ये आप तुरंत याद नहीं कर पाओगे, ये तुरंत आप याद नहीं कर पाओगे, तुरंत लिख भी नहीं पाओगे, पहले के बाद समझ लो इसे। ये 10 सेक्टर्स के नाम कौन कौन से, ठीक है। अब देखो, अब यहां क्या हो रहा है, अच्छा ये 10 सेक्टर्स हैं, 58 इंडिकेटर्स, वो तो ठीक है। और हमने स्टेट की जो रैंकिंग की है, राज्य की, वो रैंकिंग कैसे की है, हमने स्टेट को चार पार्ट में डिवाइड किया, अदर स्टेट ग्रुप ए, अदर स्टेट ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड द हिल स्टेट्स एंड द यूटीज। तो हमने चार, हमने स्टेट को अपने देश के चार पार्ट में डिवाइड किया है, अदर स्टेट्स ग्रुप ए, अदर स्टेट ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड द हिल स्टेशन एंड द यूटीज। तो चार पार्ट में स्टेट को हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब देखिए पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मालूम चल जाएगी, ये है पूरी इंफॉर्मेशन। तो टॉप रैंकिंग स्टेट इन द सेक्टर्स एज वेल एज इन द कंपोजिट रैंकिंग एज फॉलो, यानी जो 10 सेक्टर्स हमने आपको दिखाए थे उसमें ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, नॉर्थ ईस्ट में और यूटीज में कौन कौन से स्टेट ने टॉप किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सेक्टर्स, तो यहां पे आंध्र प्रदेश ने ग्रुप ए में टॉप किया है, मध्य प्रदेश ने ग्रुप बी में टॉप किया है, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम टॉप किया है और यूटीज में दमन एंड दीव एंड हवेली ने टॉप किया हुआ है। अगर हम कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ग्रुप ए में तेलंगाना, ग्रुप बी में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटीज में दमन एंड दीव ने टॉप किया है। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे तो ग्रुप ए में पंजाब टॉप किया है, ग्रुप बी में ओडिशा ने टॉप किया है, नॉर्थ ईस्ट एंड द हिल स्टेट में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है और यूटीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो ये इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, फिर से एक बार देख लो ताकि और ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ के आ रहे थे गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हमारे देश में 10 सेक्टर्स लिए गए और इन 10 सेक्टर्स में किस स्टेट ने अच्छा किया है, हमने उसकी रैंकिंग निकाली हुई है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज बाय द आवर होम मिनिस्टर, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट, इस इंडेक्स को प्रिपेयर किसने किया है, तो इंडेक्स को प्रिपेयर बाय द DARPG, दूसरा पॉइंट, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या रखो कि हमने इस इंडेक्स को 10 सेक्टर्स और 58 इंडिकेटर्स में ये कैलकुलेट किया है पूरा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया हमारा। चौथा पॉइंट, ये 10 सेक्टर्स आपके सामने हैं, देख लीजिए यहां पे। चौथा पॉइंट, जो राज्य हैं हमने उसको चार पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड यूटीज। अब फिर ये मामला पूरा सामने आता है कि किसने कहां टॉप किया, तो ये 3 सेक्टर्स आपके सामने, यानी कि ये इंफॉर्मेशन में याद बहुत करना पड़ेगा। पहले तो आपको 10 सेक्टर का नाम रखना पड़ेगा, उसके बाद 10 सेक्टर में ग्रुप ए में टॉप किसने किया, ग्रुप बी में टॉप किसने किया, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन में टॉप किसने किया, एंड चौथा आपका यूटीज में टॉप किसने किया। तो ये देखो यहां पे पूरा, तो पूरा 10 सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर हम दे रहे हैं दोस्तों, ये देख लीजिए पूरा। एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रा, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड द कंपोजिट ओवरऑल। हाँ, इतना करना पड़ेगा, इसमें मुंह बनाने वाला क्या है, करना ही पड़ेगा इसमें, है ना भाई। अब जो आपने फैसला लिया है गवर्नमेंट जॉब करने का, वो इतना आसान थोड़ी ना है, वरना सबको जॉब थोड़ी ना मिल जाती, समझिए मेरी बात को। तो भाई जॉब उसको मिलती है जो कि जिसके अंदर हिम्मत होती है, जो हिम्मत हारता थोड़ी ना, देखिए इतना याद करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा भाई, अगर आप चाहते हो कि आपके जिंदगी के 60 साल सुकून से गुजरें, आपके पास पैसा भी आता रहे, आप आराम से अपनी लाइफ जिए, तो फिर आराम के लिए थोड़ा भाई, तूफान से पहले शांति होती है। तो आपका अब इसे उल्टा कर लो कि मतलब शांति से पहले तूफान आ रहा है, तो ये देख लो यहां पे, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट हमारे पास है, हमने आपको दिखा दिया। यहां पे लोग पूछ रहे कि झारखंड कहीं है कि नहीं है, तो आप आराम से देख लेना, आपको मिल जाएगा। झारखंड कहीं है कि नहीं, तो आई थिंक झारखंड नहीं है, झारखंड इनसे ऊपर उठ चुका है बेटा, है ना, इन सबसे। चलो, तो ये पॉइंट है पूरा, हमने एक्सप्लेन कर दिया कैसे कैसे आपको देखना, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन यहाँ पे रीजन पॉइंट के लिए, आप लोग बच्चे भूल जाते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे 21 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे, भारत की रैंक 40th थी, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में भारत की रैंक 79 थी, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में इंडिया रैंक 18 थी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th, ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी इंडेक्स में 82nd, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में 66 एंड ट्रूकॉलर ग्लोबल स्पैम में 4th रैंक थी। क्या ये आप लोग को याद है पूरे इंडेक्सेस, भारत की रैंक क्या क्या है, जरा मुझे कमेंट करें फास्ट, यस नो, याद है, ठीक। देख लो भाई, देख लो, ऐसे नहीं, देख लो पूरा। तो किसमें इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, ये आप रिवाइज कर लो आराम से, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो ये है इंफॉर्मेशन हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो रिपोर्ट और इंडिसेस में हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन जो हमने खत्म कर ली, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पे, और हमारा सेगमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट और रिजाइन है। तो ये देखते हैं पहली इंफॉर्मेशन हमारे सामने, देखिए क्या लिखा हुआ है।
कमलेश गांधी वॉज अपॉइंटेड एज द को चेयरमैन ऑफ द FIDC. तो कमलेश गांधी को चेयरमैन, को का मतलब एक लोग और कोई चेयरमैन है उनके साथ, ये दूसरा भी पॉइंट हो रहा है, मतलब एक पोस्ट पर दो चेयरमैन होंगे. कौन सी कंपनी, कौन सा बॉडी है? FIDC. तो FIDC एक बॉडी है जिसमें कमलेश गांधी को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है. अच्छा, FIDC क्या है दोस्तों? तो FIDC हमारे देश में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एक ग्रुप है, एक इनका एसोसिएशन है NBFCs का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का. ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं पूरी इंफॉर्मेशन. देखिए दोस्तों, चेयरमैन और MD ऑफ द MAS फाइनेंशियल सर्विसेज, एक कंपनी है MAS फाइनेंशियल सर्विस, उसके चेयरमैन और MD है, नाम है कमलेश गांधी. ठीक हो, इनको अपॉइंट किया गया है एज द को चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल. FIDC का फुल फॉर्म यहां पर देखो, FIDC का फुल फॉर्म. तो जिन बच्चों से मैंने बोला हुआ था आप लोगों से कि आप लोग एब्रीविएशन का एक अलग से पेज बना लो, वहां पर लिखना FIDC क्या फुल फॉर्म, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल. ठीक, तो इनको FIDC का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, जबकि उमेश रेवांकर, ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के CEO है बेसिकली, ये ऑलरेडी चेयरमैन है. तो एक पोस्ट पे दो चेयरमैन है, देख लीजिएगा, एक तो आपके कमलेश गांधी और दूसरे आपके उमेश रेवांकर जी. कमलेश गांधी एंड उमेश रेवांकर जी ये पहले से थे, ये अभी अपॉइंट हुए. FIDC फुल फॉर्म देखिए यहां पे, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल. ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया. अब आगे बढ़ते हैं अबाउट द FIDC. तो FIDC इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द असेट एंड द लोन फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बोल रहा था. तो NBFCs का एक ग्रुप है प्रॉपर, ठीक है, FIDC, और FIDC का हेडक्वार्टर मुंबई में. तो FIDC के इस समय दो चेयरमैन रहेंगे, एक जी वो रहेंगे गांधी जी का मतलब कमलेश गांधी जी, और एक रहेंगे उमेश रेवांकर जी. FIDC क्या है? FIDC हमारे देश में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एसोसिएशन है. ठीक है, तो आपके सामने एक पॉइंट ये हो गया. तो ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट हमारा ये हो गया. आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी की, यानी हमारे करंट अफेयर्स का तीसरा सेगमेंट बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट. ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन आपको हम क्या दे रहे हैं, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ कॉर्पोरेट प्रमोटेड NBFC टू होल्ड अप टू 15% इन द प्राइवेट बैंक. यानी दोस्तों मेरी बात समझिएगा, हमारे देश में अभी तक क्या हो रहा था, भारत सरकार चाह रही थी कि जो कॉर्पोरेट है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट प्रमोटेड, इसका मतलब क्या हुआ भाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सुना हमने NBFCs, लेकिन ये कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान था हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन का, तो हमारे दो बैंक थे बेसिकली, जो दो बैंक, कोई भी बैंक मान लीजिए आप, गवर्नमेंट नाम तो लिया नहीं है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कौन सा बैंक है ना, हम दो बैंक मान चल रहे हैं. तो इन दो बैंकों को हम बेचने वाले थे कॉर्पोरेट्स को, लाइक रिलायंस, टाटा, बड़ी कंपनीज को. लेकिन मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट इस पर शांत हो गई है, शायद गवर्नमेंट नहीं बेचेगी. लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी एक रास्ता खोल दिया है, किसके लिए, कॉर्पोरेट को, कि वो बैंकिंग में आ सकते हैं, मे बी शायद प्राइवेट बैंक खोल लें अपने. फिर सुनो मेरी बात. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट के लिए रास्ता खोल दिया है कि ठीक है, अगर आप सरकारी बैंक नहीं खोल रहे हो तो आप प्राइवेट बैंक खोल दो. आप क्यों मैंने बोला ये बात, RBI अलाउ कॉर्पोरेट प्रमोटेड NBFC, यानी मतलब समझो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर मान लो RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर इसको बैंक खोलना है तो अब क्या करेगी, पहले ये कोई NBFC खोलेगी, बैंक तो नहीं खोल पाएगी, तो पहले कोई NBFC खोलेगी. अब इस NBFC के थ्रू वो किसी XYZ बैंक में 15% शेयर एक्वायर कर लेगी. 15% शेयर बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, है ना, एक्वायर कर लेगी. तो यही बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट प्रमोटेड NBFC को अलाउ कर दिया है कि वो किसी प्राइवेट बैंक में 15% तक शेयर एक्वायर कर सकते हैं. आप बोलेंगे सर 15% इज नॉट बिग डील. क्यों नहीं है बिग डील? अभी आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवल 15% तक शेयर के लिए फिक्स किया हुआ था. ये तो अभी जाके इन्हें क्या बोल दिया कि 15 साल के बाद अपना शेयर आप 26 कर सकते हो. आपको शायद याद होगा मेरी बात. तो 15% एक बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, अब देखो यहां पे दोस्तों क्या बोला जा रहा. ठीक है, देखिए, तो हमारे देश के कॉर्पोरेट हाउस जो सीधे बैंकिंग में नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज हमारे सरकार का, पहली गवर्नमेंट का मानना यह था कि अगर हमने कॉर्पोरेट को मतलब छूट दे दी भाई, मुकेश अंबानी गली गली बैंक खोल देंगे फिर, है ना, ऐसा है, मतलब आप जानते हो कहने का मतलब. तो कॉर्पोरेट जो वर्ड्स हैं उनको हम लोग मतलब बैंकिंग सेक्टर में आने नहीं दे रहे थे अभी तक.
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया कि कोई कॉर्पोरेट प्रमोटेड एनबीएफसी जो है वो प्राइवेट बैंकों में 15% शेयर एक्वायर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास है, ठीक, देख लीजिए। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। यहां पे चैलेंजर बोले सर जी प्राइवेट बैंक्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट। एक्चुअली क्या है ना बेटा, तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात। यहां पर हम कॉर्पोरेट क्यों बोल दे रहे हैं बार बार, मेरी बात समझो ना। यहां पे कॉर्पोरेट का मतलब हम शो कर रहे हैं इंडिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, मतलब अंबानी, अडानी, टाटा, इन लोग की बात हम कर रहे हैं। मतलब आज जो तुम प्राइवेट देते हो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक देखते हो ना, जब ये बैंक खोलेंगे ना ये लोग तो ये लोग गली गली बैंक की ब्रांच खोलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, और सारे बैंक साफ हो जाएंगे। पहले बात समझो, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, लेकिन पापा नहीं है अभी, पापा ये लोग हैं उनके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो यहां पर आपको हम इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दे रहे थे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिविजन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, लॉकर की बात करते हैं, लॉकर है ना, अगर आप जाते हो बैंक में लॉकर लेते हो तो बैंक बदले में आपसे रेंट लेता है। तो अभी तक हमारे देश में लॉकर का कोई डेटाबेस नहीं था। आपको पता है अगर आपने अपनी कोई चीज लॉकर में रखी बैंक में चोरी हो गई तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों से बोला हुआ कि देखो भाई काम करो, पहले तुम उनको बताओ कि तुम्हारे बैंक में कितने लॉकर्स हैं, सबकी डिटेल मुझे दो, कौन सा कस्टमर लिया हुआ है, कौन सा कस्टमर वेटिंग में बात होती है, सारी इंफॉर्मेशन दो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश के बैंकों पर लॉकर के लिए कुछ नियम बनाए हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है आरबीआई इशूड रिवाइज गाइडलाइंस फॉर द लॉकर इन बैंक, ठीक है। और क्या बोला गया, देखो यहां पे ये जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस 1 जनवरी से इफेक्टिव होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है बस, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों पे जो लॉकर फैसिलिटीज के लिए जो गाइडलाइंस दी है वो कब से लागू होगा, तो वो लागू होगा 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, शुभांगी जी थैंक यू सो मच, बहुत ही मतलब सुबह सुबह आपने बड़ी खुशी वाली बात बोली कि सर आप बैंकिंग में बेस्ट हो। मैं मुझे समझ नहीं आता यार कि मैं और चीजें बस कब हूंगा, मतलब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता तो हूँ, इतने अच्छे से क्या कर लूंगा बताओ, तुम लोग मुझे बता सकते हो ना, मतलब ठीक है। चले गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे दूसरे इन्फॉर्मेशन की हमारे, तो बैंकिंग फाइनेंस में न्यूज नंबर 2, और ऐसी न्यूज जो कि हमको काफी परेशान करती है। कभी भी कोई बैंक हमारे डिफेंस से एग्रीमेंट कर लेता है और अपना कुछ अकाउंट खोल लेता है जो हमको याद रखना मुश्किल होता है। अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम कार्ड की बात कर रहे हैं ना। तो लिखा है बॉब सब्सिडरी, इसका मतलब समझना, बॉब सब्सिडरी, ठीक। तो बॉब का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, क्लियर है हमें। सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों आजकल क्या है, आजकल बैंक बड़े समझदार हो गए, तो बैंकों ने काम करने के लिए अपनी कंपनी खोल रखी है साइड में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कार्ड्स बनते हैं ना, कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में कंपनी बनाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स। तो वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनको बनाने के लिए अपनी कंपनी खोली, बॉब फाइनेंशियल नाम है उसका। तो यार बॉब फाइनेंशियल की बात हो रही है, तो बॉब फाइनेंशियल और इंडियन नेवी ने आपस में एग्रीमेंट किया है और ये लोग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले, ठीक है। देखिए दोस्तों आइए ना, बॉब फाइनेंशियल देखो, तो ये क्या है, बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बेटा वो कंपनी है जो कि कार्ड बनाती है ना। तो बॉब फाइनेंशियल ने एग्रीमेंट किया है, ये तो पता नहीं कैसे हो जाता है सुबह, ठीक है कोई बात नहीं, हमें दिख रहा है। तो बॉब फाइनेंशियल जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है, ठीक, इसने क्या किया है, इसने इंडियन नेवी के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, फॉर द इंडियन नेवी पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, मतलब इंडियन नेवी के जो एम्प्लॉय है उनके लिए लॉन्च किया गया। को ब्रांडेड का मतलब गाइस क्या होता है, इसका मतलब इस कार्ड पर दोनों की मोहर होगी, मतलब सिंबल्स होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी और इंडियन नेवी की भी। अच्छा अब क्या इसे फायदा होगा, तो जो इंडियन नेवी वाले हैं, जो लोग हैं, अगर वो ये क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो उनको बहुत सारी जगहों पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मूवी देखने का मन है और इस कार्ड में आपको छूट मिल रही है, तो आपको मूवी देखने में छूट मिल जाएगी, या फिर एयरलाइंस में या फिर ट्रेन्स में आपको छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा या कुछ कैशबैक मिल सकता है आपको, केवल और केवल इंडियन नेवी के लिए। तो बॉब फाइनेंशियल और इंडियन नेवी, इन लोगों ने मिलकर अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फॉर द नेवी पर्सनल, केवल नेवी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन ये देखो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए तो अबाउट द बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा हेडक्वार्टर वडोदरा में है, ठीक। चेयरमैन हसमुख अधिया जी हैं, एमडी सीईओ संजू चड्ढा जी हैं
और टैगलाइन इंडियास इंटरनेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, इंडियास इंटरनेशनल बैंक। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, अब कुछ इंफॉर्मेशन देख लो। इसके पहले दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया था विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। तो उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ बड़ौदा बीपीसीएल रुपे एनसीएमसी प्लैटिनम कॉन्ट्रैक्ट डेबिट कार्ड। ठीक है, देखो फिर देख लो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, इन्होंने मिलकर अपना एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया था, डेबिट कार्ड, और ये रुपे प्लेटफॉर्म पे था। ठीक है, ये रुपे पे था, तो ये याद कर लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अच्छा, ये भी आपका रुपे प्लेटफॉर्म ही है, मैं लिखता हूं कहीं पर। ठीक है, ये भी आपका रुपे प्लेटफॉर्म पर है, ये भी आपका, ठीक, और ये भी आपका रुपे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, देख लीजिएगा सारे पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो एक इंफॉर्मेशन ये थी हमारे पास जो हमने आपको यहां पे दे दी है। ये रिवीजन पॉइंट है, जो बच्चे नए हमारी क्लास में आ रहे हैं घबराने है क्या हो गया, ये रिवीजन पॉइंट आपको दिखा रहे हैं। अगर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंफॉर्मेशन आपको दी है विद द इंडियन नेवी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने और क्या काम किए हैं स्पेसिफिकली, तो ये देख लीजिएगा, यहां पे हमने एक इंफॉर्मेशन आपको दे दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो बैंकिंग फाइनेंस की हम बात कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नेशनल न्यूज की। और नेशनल न्यूज में यहां पर हम क्या बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब होता है एक तरह का ऑफिस, जहां पर हमारे देश में पानी का रीयूज हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। फिर सुन लो यहां पे, देखो हम क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, तो हमारे देश में एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड टेरी टीआरआई, इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है ऑन द वॉटर रीयूज, ऑन द वॉटर रीयूज कहां पर, दिल्ली में। तो नेशनल मिशन क्लीन गंगा और टेरी ने, देखिए दोस्तों यहां पे, तो यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में देखो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनर्जी एंड द रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट टेरी। तो आप टेरी, आप सीधे से देखो, एनएमसीजी एंड टेरी, इन्होंने क्या किया दोस्तों, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है ऑन द वॉटर रीयूज इन न्यू दिल्ली। आपको ये सब नहीं पढ़ना है कि डायरेक्टरेट जनरल कौन है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, अपने करंट अफेयर्स को आपको इजी बनाना है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड टेरी, टेरी का मतलब होता है दोस्तों द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन्होंने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, कहां पर, दिल्ली बनाया, ताकि पानी का रीयूज हम कर सके। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको पढ़ना नहीं है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या काम करेगा बेसिकली, तो ये रिसर्च करेगा, इनोवेशन करेगा, हमारे देश में जो पानी है उसका हम रीयूज कैसे कर सके, तो इसीलिए यहां पर एक सेंटर बनाया जाएगा। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड टेरी ने मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है फॉर द वॉटर रीयूज इन द दिल्ली, बस इतना पढ़ लो, बस काम हम तुम्हारा। ये पढ़ने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल है ही नहीं है सारी बातें। ठीक है दोस्तों, क्या ये क्लियर हुआ? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड टेरी ने दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है फॉर द रीयूज इन द वॉटर, रीयूज ऑफ द वॉटर इन दिल्ली। ठीक है, इतना पढ़िए बस आप लोग, और आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इतनी इंफॉर्मेशन दे दी हमने आपको, हम आगे बढ़ते हैं, रिवीजन पॉइंट दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसके पहले क्या था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अलोंग विद द सेंटर फॉर द गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड द स्टडीज, सी गंगा, सेंटर फॉर द गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, इन्होंने मिलकर सिक्स्थ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया था, सिक्स्थ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया था, याद कर लीजिएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने, और इसके अलावा सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सी गंगा, इन्होंने छठवां इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया था, एक इंफॉर्मेशन ये। और देखिए दोस्तों यहां पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट नहीं इतनी है, ठीक है चलिए। तो हमारा न्यूज नंबर टू की हम बात करते हैं, नेशनल लेवल पे न्यूज नंबर वन, हम दिल्ली की बात कर रहे थे, दिल्ली में हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया था, ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द वॉटर यूज, और किसने इसे बनाया, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने बनाया और टेरी ने बनाया, पहली इंफॉर्मेशन हमारी। दूसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी। गार्बेज फ्री सिटी मतलब कि किस, जो शहर ऐसे हैं जहां पे कचरा मुक्त होगा, मतलब अच्छा मैनेजमेंट होगा, उसको स्टार रेटिंग दी जाएगी, दी जाएगी, अभी दी नहीं गई है, दी जाएगी, ऐसा अनाउंसमेंट किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने, देखिए दोस्तों
तो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि आजादी एट द रेट 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूल किट 2022। पूरा देखो, आजादी एट द रेट 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूल किट 2022। टूल किट का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपको याद होगा आज से एक साल पहले टूल किट पर बड़ा मामला सामने आया था, वो किसान आंदोलन में टूल किट लीक हो गया था। तो एग्जैक्टली मैं क्या दोस्तों, मेरी बात सुनो, कैसे इसे हम याद रखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हमारे देश में, हमारे देश के अंदर क्या करने वाली है, शहरों की रैंकिंग करने वाली है, कौन से शहर में गार्बेज फ्री है, कौन सा शहर, मतलब जो कचड़े होते हैं उन्हें कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोटोकॉल निकला है एंड टूल किट निकली है, और ये टूल किट सारे स्टेट को जाएगी भेजेगी कि भैया ये टूल किट है हमारे, ये पॉइंट है, आपको इस हिसाब से कचरे का करना मैनेजमेंट, और फिर आपकी हम रैंकिंग करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे, तो आजादी एट द रेट 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल, आजादी एट द रेट 75 स्टार प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूल किट 2022। तो ये क्या है, एक तरह का ड्राफ्ट है जो कि शहरों को जाना भेजा रहा है, म्यूनिसपैलिटीज को, कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और फिर हम रैंकिंग करेंगे आपकी, ठीक है। दोस्तों देख लो यहां पे, ठीक, तो ये बोला गया। आगे बढ़ते हैं, द अर्लियर 25 कंपोनेंट इंडिकेटर्स हैज बीन नाउ रिड्यूस टू 24, यानी कि अब केवल 24 इंडिकेटर पे काम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक बात और है, ऑफ विच ओनली 16 इंडिकेटर्स आर मैंडेटरी फॉर द 1 स्टार एंड 3 स्टार लेवल्स। लेकिन जो छोटे शहर हैं, जैसे मिर्जापुर हो गया हमारा, तो मिर्जापुर जो हमारा आता है वो 3 स्टार में आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल और शहर से पता है बस्ती 1 स्टार में आता है, तो 1 स्टार और 3 स्टार वाले जो सिटीज होंगे, म्यूनिसपैलिटीज होंगी, उनके लिए केवल 16 इंडिकेटर यूज किए जाएंगे। इसमें नॉर्थ ईस्ट वाले भी आते हैं, इसमें आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मतलब क्या बोला गया कि पहले 25 इंडिकेटर यूज करते थे, अब 24 करेंगे, और स्टार 1 और स्टार 3 वाले जो म्यूनिसपैलिटीज हैं उन्हें 16 ही करने हैं केवल। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाली, बट ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। यहां पे लोग पूछ रहे हैं कि परफेक्शन बैच है कि आज रीतमान नाम है इनका, मैं तो ये बोलूंगा बेटा कि करंट अफेयर्स पढ़ लो पहले, ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, है ना। और कौन सा बैच कब आएगा उसके बारे में उस बैच में लिख लेना, है ना। मतलब हमारी क्लास क्या है, यूनिवर्सल क्लास है, यहां जो है जो पूछ लो, जो मना है वो कर लो, जो मना है बात कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे फिर से मैं दिखाता हूं आपको इन्फॉर्मेशन, दे दीजिए यहां पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हम एक रैंकिंग निकाल रहे हैं, रैंकिंग होगी ऑन द बेसिस आपकी कौन सा शहर कचरे का कितना अच्छा मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, इसके लिए आजादी एट द रेट 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूलकिट 22 लॉन्च किया गया, जो कि हर शहरों को जाकर भेजा जाएगा, और 2022 में रैंकिंग होगी 24 इंडिकेटर पे, पहले 25 पे थी, और स्टार 1 और स्टार 3 वाली जो म्यूनिसपैलिटीज हैं उनको 16 इंडिकेटर ही मानने। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब यहां पे रीजन पॉइंट की बात कर ले दोस्तों। कोच्ची शहर, कोच्ची नाम सुना आपने, कोच्ची हैज बैक्ड द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। कोच्ची को कुछ दिन पहले ही मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कोच्ची को मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड दिया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। एक पॉइंट ये देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ द आईटी, है ना, हैज लॉन्च्ड द कैंपेन नेम मैं भी डिजिटल 3.0। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से एग्रीमेंट किया था, और दोनों ने मिलकर मैं भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया था। तो यह भी इंफॉर्मेशन आपके सामने। ठीक है, विपिन चौधरी बोल रहे हैं कि याद कैसे करें, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर हम याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन हम दोबारा करेंगे तो नहीं भूलेंगे, हम तिबारा करेंगे तो नहीं भूलेंगे, हम चौथी बार करेंगे तो नहीं भूलेंगे। मतलब आप लोग तो ऐसे पूछ रहे हो कि आपने कभी क्लास 7th नहीं पढ़ा, 8th नहीं पढ़ा, 10th नहीं पढ़ा, 12th नहीं पढ़ा, या फिर आप लोगों ने कभी छोरी लिखी नहीं क्लास में। आप लोग ऐसे बात कर रहे हो कि आपने कभी छोरी लिखी नहीं है, आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, कभी साइंस नहीं पढ़ा आपने। भाई मुझे याद है, मैंने हाई स्कूल पढ़ा हुआ है, मुझे याद है मैंने इंटर पढ़ा हुआ है, मैंने हिंदी पढ़ी है, मैंने इंग्लिश पढ़ा है, मैंने साइंस पढ़ा है, मैंने सोशल पढ़ा हुआ है, और सबकी छोरी मैंने लिखी एग्जाम में, और मैं पास हुआ हूं फर्स्ट डिवीजन।
है ना। तो जब दैट टाइम पर जब हमारा दिमाग इतना मैच्योर नहीं था और हमने भाई फिजिक्स की इतनी मोटी मोटी बुक पास की है, 11th में अलग 12th में अलग, उसके भी थ्योरीज लिखे हैं, थ्योरम लिखे हैं हमने, हमें वो तो याद था। तो अपने इस स्टेप पे आके इस जगह, मतलब जहां पे तुम्हारा माइंड बिल्कुल मैच्योर है, जहां पे तुम एकदम मैच्योर हो, तुम उस एज में हो जहां पे तुम्हारा सबसे तेज दिमाग काम करने वाला है, तो वहां पे अपने आप को लाचार क्यों दिखा देते हो यार कि हमसे हो ही नहीं पाएगा ये, क्योंकि तुम करना ही नहीं चाहते हो। एग्जैक्टली में तुमने ये देख लिया, तुम्हें यार इतना हजार कैसे, आपने हाईस्कूल नहीं पढ़ा है, इंटर नहीं पढ़ा है, छोर में नहीं किया आपने। देखो एक बात समझना मेरी, तुम्हें जो चीज जरूरी लगती है, जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, वो तुम्हें याद रहेगी। वो हमेशा से होता है यार, ऐसा होता ही है। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी क्वांट में तुम्हें फॉर्मूले याद करने की है, तुम याद कर लोगे, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी करंट अफेयर्स की नहीं है, तुम याद नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम्हारी प्रायोरिटी करंट अफेयर्स की है, मतलब आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जीए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उनको पता कि वो मैथ्स रीजनिंग कर चुके हैं, उन्हें जीए ही करना है आप केवल। तो ये प्रायोरिटी की बात होती है कि आपकी प्रायोरिटी कहां पर है। तो देखो मैं तो हमेशा बोलता हूं, लेकिन मैंने बोलना छोड़ दिया, समझदार हो इशारा काफी, पढ़ना मतलब प्री दे लोगे, मेंस दे लोगे, उसके बाद सिलेक्शन लोगे, तो जीए तो पकड़ना ही पड़ेगा तुम्हें, कैसे करोगे तुम देख लो अपने को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। और यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं इंफॉर्मेशन क्या दे रहे थे, रिवीजन पॉइंट की जो हमने दे दी आपको, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेशनल अफेयर्स में न्यूज नंबर 3 की, और यहां पर हम बड़ी अच्छी बात करने वाले हैं आपसे। हमारे देश में पहली बार ऐसा होने वाला है कि जेड प्लस सिक्योरिटी जो हम देते हैं जिस भी मतलब पॉलिटिशियन को या फिर किसी सेलिब्रिटी को, उसमें महिलाएं भी अब एज अ कमांडो आपकी सिक्योरिटी करेंगी। और ये महिलाएं कौन सी हैं, ये महिलाएं हैं देखो यहां पे सीआरपीएफ की, इन अ फर्स्ट वुमेन कमांडोस ऑफ सीआरपीएफ टू प्रोवाइड जेड प्लस सिक्योरिटी टू वीवीआईपीस इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। यानी कि अब क्या होगा कि सीआरपीएफ की जो महिला कमांडो है, ये भी हमारे होम मिनिस्ट्री तक को मतलब जेड प्लस सिक्योरिटी देंगी। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, वुमेन कमांडोस ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, वुमेन कमांडोज ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स विल नाउ प्रोवाइड जेड प्लस सिक्योरिटी टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड द गांधी फैमिली। यानी जेड प्लस सिक्योरिटी इसके पास है, मतलब अमित शाह जी के पास है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के पास है, या गांधी फैमिली जी के पास, गांधी फैमिली के पास है। तो इन सबको अब जेड प्लस सिक्योरिटीज में महिलाएं भी, मतलब सीआरपीएफ की कमांडो भी जो है, वो यहां पर इनकी रक्षा करेंगी। तो बहुत अच्छी खबर है, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों सीआरपीएफ की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देना, दिस इज द फर्स्ट टाइम सीआरपीएफ विल डिप्लॉय वुमेन कमांडोज फॉर द वीवीआईपी सिक्योरिटी। ऐसा पहली बार होने वाला है कि सीआरपीएफ महिला कमांडो को यहां पे डिप्लॉय करने वाले है, पहली बार सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट बैच ऑफ द वुमेन कमांडोज विल कंप्राइज 32 फीमेल कॉम्बेटेंट्स। तो पहले बैच में 32 महिला लड़ाकी शामिल होंगी, तो मतलब पहला जो बैच कमांडो का है महिलाओं का, 32 फीमेल्स उसमें है, अच्छी बात है। तो मतलब सीआरपीएफ ने हमारे देश में वीवीआईपी, मतलब जिनको जेड प्लस सिक्योरिटीज मिलती है, उनके लिए महिला कमांडो भी अपॉइंट करेगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो सीआरपीएफ ने प्रॉपर एक बैच क्रिएट किया है कमांडोज का, जिसमें 32 पार्टिसिपेंट काम करती हैं, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन ये हमने आपको दे दिया, देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे रिवीजन पॉइंट की। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश की एक प्रसिद्ध माउंटेनियर थी हर्षवंती बिस्ट। हाँ, तो हर्षवंती बिस्ट की बात करें, इनको पहली वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का। हर्षवंती बिस्ट को पहली महिला प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का, ठीक है, देख लीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस फर्स्ट वुमेन विद द प्रेसिडेंशियल पावर इन द यूएस व्हेन प्रेसिडेंट जो बाइडेन टेंपरेरली ट्रांसफर पावर टू हर। आपको बताइए, तो पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका के इतिहास में कि किसी महिला के पास राष्ट्रपति का पावर आया था, कुछ समय के लिए आया था, बट आया था, कमला हैरिस नाम है इनका। और देखिए, फॉर्मर इंग्लैंड विकेट कीपर बैट्समैन सारा टेलर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कोच इन द मेंस प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी क्रिकेट, है ना। यहां पे T10 जो हो रहा है ना, T10 उसमें ये एक कोच बनी, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की तडांग मीनू बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंडिया एंड द सेकेंड इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कोचेस कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस साल कौन सी महिलाओं का क्या मतलब
क्या क्या इनका वो रहा, मतलब कि अचीवमेंट रहा, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे थे। ठीक है, देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर नीली बेंडापुडी, ये इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये पहली महिला बनी है एंड पर्सन ऑफ कलर टू बी नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकास प्रेस्टिजियस पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अमेरिका का राज्य है पेंसिल्वेनिया, वहां की पहली प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट वुमेन एंड द पर्सन ऑफ द कलर। पर्सन ऑफ द कलर का मतलब उसको क्या होता है, इसका मतलब कि आप गोरे नहीं हो, आप गोरे नहीं हो, आप या भारतीय हो या अफ्रीकी हो, जो भी हो, तो आपको अपॉइंट किया गया इनको। नाम देखना, नाम क्या है, नीली बेंडापुडी इनका नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज में न्यूज नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों। आपको याद होगा इंसिडेंट, एक बार क्या हुआ था हमारे देश में, एक पॉलिटिशियन ने बोला था एक बार कि मुझे इनसे कॉल आई थी और इनसे कॉल आने पर इन्होंने मुझे कुछ चीजें सीक्रेट रिवील की थी। एक पॉलिटिशियन ने कुछ बयान दिया था कि मुझे यहां से कॉल आई थी और वहां से सीक्रेट कुछ रिवील हुई थी। तो जब उस पॉलिटिशियन से पूछा गया कि ठीक है आप डेटा दिखाओ डेटा, तो उसने क्या बोला कि इस बात को एक साल से ऊपर हो चुके हैं और टेलीकॉम कंपनी के पास कोई डेटा सिक्योर नहीं था। इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप टेलीकॉम का यूज करते हो फॉर द अपने मोबाइल फोन या इंटरनेट, आपका आईपी एड्रेस, आपका सेल नंबर जो भी है, ये कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, ये आपका डेटा केवल एक साल तक सिक्योर करती। तो कभी कभी अगर हमें कुछ मामले खोजने हैं पुराने तो हमें डेटा मिल नहीं पाता है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनी से बोला हुआ है कि आपको पर्सन का डाटा 2 साल तक सिक्योर रखना है, 2 साल तक। ठीक है, तो गवर्नमेंट मैंडेट टेलीकॉम कंपनीज टू कीप कॉल डेटा इंटरनेट यूजेस रिकॉर्ड फॉर द 2 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ द आर्चिविंग कॉल डेटा एंड द इंटरनेट यूजर्स रिकॉर्ड ऑफ सब्सक्राइब्स टू 2 ईयर्स फ्रॉम द 1 ईयर ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यह केवल कि जब भी कोई कस्टमर टेलीकॉम से कोई बातचीत करता है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, ये आप डेटा यूज करते हो, तो आपका आईपी एड्रेस, आपने कितना डेटा यूज किया, आप सबकी प्रोफाइल 2 साल के लिए सेव की जाएगी। पहले ये 1 साल थी बट अब ये 2 साल के लिए हो जाएगी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, तो 2 साल के लिए आपको सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है समय, तो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल संजय शर्मा राव धोत्रे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है फॉर द कम्युनिकेशन। यानी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो है, मतलब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो है, लेकिन इनके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं, यूनियन कैबिनेट कोई नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज पे इनका, तो ये याद कर लीजिए नाम इनका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। और यहां पर हम इंटरनेशनल न्यूज की बात करने वाले हैं, तो इंटरनेशनल न्यूज में हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों, देखिए बात करते हैं यूएसए दोस्तों, डे बाय डे हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में हम काफी कुछ नए वैक्सीन खोज ढूंढ रहे हैं। या अब पिल्स की बात करें दोस्तों, देखो तो फाइजर पिल पैक्सलोविड बिकम द फर्स्ट यूएस ऑथोराइज्ड होम कोविड-19 ट्रीटमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका में किसी को भी कोविड-19 होता है तो अब आपको वैक्सीन की जगह पर टैबलेट भी दिया जाएगा, आप घर पे अपना ट्रीटमेंट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं, जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, वहां से अपने हिसाब से मेडिसिन खरीदते हैं, घर पे आते हैं और यूज करते हैं उसका। तो फाइजर ने अपनी एक पिल निकाली है, नाम क्या है इसका, पैक्सलोविड नाम इसका। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो फाइजर की पैक्सलोविड क्या है, एक तरह की पिल आ गई है, आप घर पर कोविड-19 का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएस हेल्थ रेगुलेटर ऑथोराइज द फर्स्ट पिल अगेंस्ट कोविड-19, नाम क्या, पैक्सलोविड। बस, तो फाइजर कंपनी पैक्सलोविड इन द अमेरिका ऑथोराइजेशन मिल चुका है, इसे लोग घर में इसका यूज कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में पैक्सलोविड। ठीक है, फाइजर अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अच्छा अगर हम बात करें गाइस, तो आज मैं WHO के साइट पर गया ढूंढने के लिए कि मतलब WHO ने कितने वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। तो WHO ने 10 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और 10 के नाम यहां पर रखे हुए हैं। ये WHO के साइट से मैंने आज ही लिया हुआ है, कौन कौन सी वैक्सीन को मिल गया अप्रूवल। कुछ दिन पहले की बात है गाइस, मैंने आपको पढ़ाया था कि नोवैक्स को नोवा मिला था ना, नोवा, अब 10th हो गए हैं पूरे। तो आपके सामने पूरी बातें हैं, एस्ट्राजेनेका, नोवोवैक्स, जॉनसन जॉनसन, फाइजर, सीरम का कोविशील्ड, मॉडर्ना, सिनोफार्म, सिनोवैक, कोवैक्सीन और एक कोवोवैक्स हो गया आपका। ठीक है, तो ये 10 को अप्रूवल WHO दे चुका है, आप इसको देखना, आपके WHO साइट से लिया गया। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन।
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे। तो अवार्ड एंड ऑनर में हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए तो पहली इन्फॉर्मेशन फेडरल बैंक और वयाना नेटवर्क की है। देखो फेडरल बैंक आपने नाम सुना होगा, फेडरल बैंक और वयाना नेटवर्क वन द मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप अवार्ड। तो फेडरल बैंक और वयाना नेटवर्क को मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का अवार्ड मिला है। ठीक है, देखिए दोस्तों वयाना नेटवर्क वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म। वयाना नेटवर्क ये भारत का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़े में से एक लार्जेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। और फेडरल बैंक इन्होंने आपस में एग्रीमेंट लिया था, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं फेडरल बैंक कस्टमर हूं और मुझे डील करना है शेयर्स में डिवेंचर्स में, तो मेरे पास डीमैट अकाउंट होगा, तो डीमैट अकाउंट की सारी सुविधा कौन देगा, वयाना देगा। तो वयाना ने फेडरल बैंक से एग्रीमेंट किया हुआ था, तो इनकी जो पार्टनरशिप है उसको मिला अवार्ड मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप एट द IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 21। तो अवार्ड सेरेमनी ये है, अवार्ड सेरेमनी का इवेंट का IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड। और इस अवार्ड की बात करें तो वयाना नेटवर्क और फेडरल बैंक इनका जो पार्टनरशिप था उसको मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का अवार्ड मिला। कहां पर? IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड, मतलब ये सेरेमनी है, ये अवार्ड सेरेमनी है और यहां पे मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप अवार्ड मिला है वयाना नेटवर्क और फेडरल बैंक के टाई अप्स को। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया दोस्तों। फेडरल बैंक MD CEO श्याम श्रीनिवासन जी, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है, टैगलाइन योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंक पार्टनर इज द टैगलाइन ऑफ द फेडरल बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देख लें दोस्तों। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया था एक फीचर रिस्क सेविंग बैंक स्कीम कॉल्ड महिला मित्र प्लस। तो महिला मित्र प्लस नाम का एक फीचर लॉन्च किया था इसने फेडरल बैंक ने, याद कर लीजिएगा। तो फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस नाम का एक फीचर लॉन्च किया था, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। दूसरा, फेडरल बैंक ने कुछ दिन पहले ही स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस से बैंक का इंश्योरेंस टाइप किया है। फेडरल बैंक और स्टार हेल्थ बैंक का इंश्योरेंस पैक, ठीक है, तो ये आप लोग समझते हैं बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन एंड रिद्धिमा पांडे वन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 21। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 21 की बात करेंगे, तीन लोग अवार्ड मिला है, अनिल प्रकाश जी को मिला है, विद्युत मोहन को मिला है एंड रिद्धिमान पांडे को मिला है। ठीक है, आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक, तो इन्वायरमेंटलिस्ट डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, यानी ये क्या है, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी Who was conferred upon the Padma Bhushan this year? इनको इस साल का पद्म भूषण अवार्ड मिला। इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर द सोशल जस्टिस 21 मिला हुआ है। ठीक है, तो इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की बात करें, इनको सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम क्या इनका? अनिल प्रकाश जोशी। इस साल इनको पद्म अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, और ये एक क्या है, पर्यावरणविद है, मतलब ये काम करते हैं फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा विद्युत मोहन द विनर ऑफ द अर्थ शॉट प्राइज, आपको मैंने पढ़ाया है, विद्युत मोहन दिल्ली के रहने वाले हैं, द विनर ऑफ द अर्थ शॉट प्राइज एंड रिद्धिमा पांडे अ यंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट फ्रॉम द उत्तराखंड वे आर ऑल्सो द रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। यानी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड तीनों को मिला, विद्युत मोहन को मिला, रिद्धिमा पांडे को मिला और अनिल प्रकाश जोशी को मिला। अनिल प्रकाश जोशी क्या है, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। ठीक, विद्युत मोहन अर्थ शॉट प्राइज उनको मिला, ये एनजीओ चलाते हैं, रिद्धिमा पांडे ये उत्तराखंड की एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, तो इन लोग को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, देख लीजिएगा, यानी कि तीन लोग तीन अवार्ड। ठीक है, अच्छा अब ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड देता कौन है, तो ये हारमोनी फाउंडेशन हर साल ये अवार्ड देता है। हारमोनी फाउंडेशन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड हर साल ये बांटता है। ठीक है, हारमोनी फाउंडेशन हर साल। तो ये आपके सामने पॉइंट है गाइस, आराम से देख लो एक बार, फिर से एक बार, अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन, रिद्धिमा पांडे, इन तीनों को मिला है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 21 का। और ये अवार्ड कौन देता है? हारमोनी फाउंडेशन। रिद्धिमा पांडे कौन है? ये उत्तराखंड की एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। विद्युत मोहन इनको इनका एक एनजीओ है, इनको अर्थ शॉट प्राइज मिला था इस बार। अनिल प्रकाश जोशी इनको पद्म अवार्ड मिला है, ये भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, इन लोग को अवार्ड मिला है। देख लिया आपने किसने अवार्ड दिया? हारमोनी फाउंडेशन ने दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे। अब चूंकि बात हो रही है एनवायरमेंट की, तो दो दिल्ली के लड़के हैं, नाम है विहान और द नव अग्रवाल,
इनको 17th एनुअल किड राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला था फॉर टैकलिंग द पोल्यूशन इन देयर होम सिटी बाय द रिसाइकलिंग हाउसहोल्ड वेस्ट. नाम क्या है? विहान एंड द नव अग्रवाल. 17th एनुअल किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज का इनको अवार्ड मिला है. आपको बताइए चीज, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस. अब बात करेंगे डिफेंस की. दोस्तों डिफेंस में हमारे पास काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं. देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आपको याद है अभी जो ये बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, तो बिम्स्टेक कंट्रीज और इंडिया का एक डिफेंस एक्सरसाइज चल रहा है, पुणे में चल रहा है. तो इस एक्सरसाइज में हमने इसे डिप्लॉय किया, ठीक है? देखिए, राजनाथ सिंह अनवील द इंडिजीनियस मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन MARG. तो राजनाथ सिंह जी ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन का अनावरण किया है. ये देख लो गन, यहां पे मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन इसका नाम है, मतलब MARG इसका नाम है पूरा. देखिए यहां पे, तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिजीनियस, मतलब भारत में बना हुआ है मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन 155BR. मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन 155BR इन द प्रेजेंस ऑफ द आर्मी चीफ जनरल जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी. तो मतलब यहां पे MM नरवणे जी भी थे. तो राजनाथ सिंह जी ने पुणे में हमारे देश में बना हुआ मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन MARG 155BR इसका इनॉग्रेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ द MM नरवणे जी ने. तो देख लीजिए यहां पे पॉइंट सारे, ठीक है? नाम देख लेना, मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन MARG 155BR. अच्छा, इन लाइन विद द गवर्नमेंट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन, इट इज डेवलप्ड बाय द इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी भारत फॉर्गो लिमिटेड. तो भारत फॉर्गो लिमिटेड ने इसको बनाया. किसने मैन्युफैक्चर किया है? भारत फॉर्गो लिमिटेड ने इसे बनाया है. आपके सामने इंफॉर्मेशन, भारत फॉर्गो लिमिटेड ने बनाया, ठीक है? अबाउट द MARG 155BR, दो इट इज द ओनली 155mm 39 कैलिबर गन सिस्टम माउंटेड ऑन द 4x4 HMV इन द वर्ल्ड. 4x4 HMV का मतलब क्या हुआ? ये जो आप देख रहे हो, ठीक है? तो यह क्या बोला गया है कि ये एक ऐसी गन है जिसका जो कैलिबर है 155mm 39 कैलिबर गन सिस्टम है और ये 4x4 HMV में फिट हो जाता है, ठीक है? द व्हीकल वेट 18 टन एंड हैज द कैपेबिलिटी टू द डिप्लॉय इवन इन द माउंटेन रीजन. यानी कि इसका भार बड़ा कम है 18 टन का और इसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी आप तैनात कर सकते हैं, जस्ट लाइक बोफोर्स, ठीक है? तो एक इंफॉर्मेशन ये आपको हम दे रहे थे. देख लीजिए दोस्तों, फिर से देखते हैं पूरी इंफॉर्मेशन. देखिए दोस्तों, हमारे देश में क्या है, राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है, अनवील किया है, मतलब अनावरण किया है मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन. इसके बारे में बात करने वाले हैं. ये हमारे देश में बना हुआ है, तो मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन मार्क 155BR, ठीक है? और अगर इसको इसने बनाया है, इसे भारत फॉर्गो लिमिटेड ने बनाया हुआ है. इसका कैलिबर 155mm 39 है और ये 4x4 HMV में फिट हो जाता है और इसका वेट है 18 टन का. ये देख लीजिएगा, पुणे में इसका इनॉग्रेशन किया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है? पुणे में इसका इसको डिप्लॉय किया गया है, याद रखिएगा. अबाउट भारत फॉर्गो लिमिटेड, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, बाबा कल्याण इसके चेयरमैन है, 1961 में से फाउंड किया गया था भारत फॉर्गो लिमिटेड, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं. अब रीजन पॉइंट की बात कर लें दोस्तों. आपको पता है कि हमारे देश में जो तेजस मान है, तेजस, उसे HAL बना रहा है. तो HAL ने क्या किया, HAL ने एक 2400 करोड़ रुपए की डील साइन की है विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ. 24 करोड़ डील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ. इट हैज बीन साइन फॉर द डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ द 20 टाइप्स ऑफ द सिस्टम फॉर द LCA तेजस MK1A प्रोग्राम. यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, ये 20 तरह के सिस्टम जो है ये देगा HAL को फॉर आवर तेजस प्रोग्राम. तो HAL ने 2400 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसे? BEL को दिया है, ठीक है? 20 तरह के सिस्टम बनाने के लिए. तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा. हम आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा हाँ, ये देख लीजिएगा, अभी कल या परसों मैंने आपको पढ़ाया था द फर्स्ट सेट ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉन्शियस व्हीकल. याद होगा, मैंने पढ़ाया था, वॉज इंडक्टेड इन टू द कॉर्प्स ऑफ द इंजीनियर्स ऑफ द इंडियन आर्मी. याद है, मैंने पढ़ाया था. अब ये जो व्हीकल है ARAERV, इसे बनाया है, इसे डिजाइन बाय द DRDO एंड द मैन्युफैक्चर बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक एंड द PEL पुणे. ये देखो, तो वो जो मैंने आपको ये पढ़ाया था कल या परसों, पर कल छुट्टी थी, परसों मैंने पढ़ाया था आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉन्शियस व्हीकल. यानी एक तरह का व्हीकल जिस पर पूरे मतलब आर्मर चढ़े हुए हैं, मतलब गोली वोली असर नहीं पड़ेगा. इसे डिप्लॉय कहां किया गया है? कॉर्प्स ऑफ द इंजीनियर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, डिजाइन बाय द DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक एंड BEL पुणे.
याद रखिएगा, ये सब पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, और स्पोर्ट्स में आपको इंफॉर्मेशन देंगे सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप। मैंने परसों आपको पढ़ाया था कि 2022 में सैफ चैंपियनशिप भारत होस्ट करेगा, अंडर 19 भी, है ना, मैंने पढ़ाया था आपको। तो बांग्लादेश विन द सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप। तो बांग्लादेश ने अभी, मतलब इस साल का जो इवेंट है वो कहां हो रहा था, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश ने ही सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो बांग्लादेश अंडर 19 वुमेन्स टीम ने सैफ अंडर 19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। ढाका में टूर्नामेंट हुआ था, इंडिया को हराया गया इसमें फाइनल में। ठीक है, तो सैफ अंडर 19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप ढाका में हुई, बांग्लादेश ने जीता, भारत को हरा दिया इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाली शाहिदा अख्तर थी, शाहिदा अख्तर रिपान का पूरा नाम है, एंड शी वॉज गिवन द मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द गेम अवार्ड, और इनको मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर का भी अवार्ड दिया गया है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे, अंडर 19 फुटबॉल सैफ की। तो सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप इस बार ढाका में हुआ, बांग्लादेश ने इसको जीता फाइनल में भारत को हराकर, और बांग्लादेश की तरफ से है खिलाड़ी शाहिदा अख्तर रिपा, इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए और इनको मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं मर्जर एक्विजिशन, नेक्स्ट हमारे न्यूज़ की। तो मर्जर एक्विजिशन में हमारे पास एक पॉइंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एमसीक्यू क्लास में। विप्रो टू एक्वायर एडगिल फॉर द 230 मिलियन। विप्रो जो है ये एडगिल नाम की कंपनी को 230 मिलियन में एक्वायर कर रहा है, एडगिल। तो एडगिल एक बड़ी अच्छी कंपनी है पूरे विश्व के लेवल की, और ये साइबर सिक्योरिटी में डील करती है। तो विप्रो ने $230 मिलियन में इसको एक्वायर कर लिया। मैंने पढ़ाया आपको ये चीज, है ना, पढ़ाया मैंने पहले भी, तो बस ध्यान देना। ये जो एडगिल कंपनी है टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर है। तो विप्रो लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है टू एक्वायर द टेक्सास हेडक्वार्टर एडगिल कंपनी। एडगिल कंपनी ये साइबर सिक्योरिटी में डील करती है बेसिकली। ठीक है, तो इतना पढ़ना है, पढ़ा चुका, पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, विप्रो ने एडगिल कंपनी जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास में था उसे एक्वायर कर लिया $230 मिलियन में। और ये एडगिल कंपनी जो थी, ये मतलब मेन काम था इसका साइबर सिक्योरिटी का। तो हमने ये पॉइंट पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, $230 मिलियन अमाउंट है इसका। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द विप्रो। तो इस समय विप्रो के सीईओ कौन है, थियर दे पात्रो है, इनको हमने हायर किया हुआ है। हम क्यों, हम इंडियंस हैं ना, तो हमने इनको रखा नौकरी पर, थियर दे पात्रो को। और विप्रो के ऑनर कौन है, अजीम प्रेम जी है, हेडक्वार्टर कहां पे, बेंगलोर में है, तुमको पता ये चीज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एमओयूज और एग्रीमेंट की है। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैं बोलूंगा उसे पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, पहली इंफॉर्मेशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ द मॉरिशस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जो हम पढ़ते नहीं। तो भारत के कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉरिशस के कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्जैक्टली में एग्रीमेंट पहले साइन हो गया था, अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया इसको। ठीक है, देखो तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ मॉरिशस का, इसको मतलब अप्रूव कर दिया गया। तो ये अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, एग्रीमेंट पहले साइन हो गया था, इसे भी अप्रूवल मिला है। तो बस तुम ध्यान दो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ मॉरिशस के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको मिल गया अप्रूवल। तो एक पॉइंट हमारा ये, देखने में इंफॉर्मेशन बड़ी लग रही है बट पूरा पढ़ना नहीं है आपको, जो मेन मुद्दा है वो पढ़ लो बस, काम तरह हो गया यहां पे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों, दूसरी इंफॉर्मेशन दो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड द पोलिश चैंबर ऑफ द स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स। दो ऐसे, अगर आप जब करंट अफेयर्स रिवाइज करते हो तो ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है आपको, ध्यान देना। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड पोलिश, पोलैंड, द पोलिश चैंबर ऑफ द स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स। तो इनका अगेन पहले साइन हुआ था, इनको मिल गया अप्रूवल अभी। ठीक, तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड द पोलिश चैंबर ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स PIBR, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, मिल गया अप्रूवल। तो पूरा पढ़िए मत, ध्यान से केवल, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है MOU को, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड द पोलिश चैंबर ऑफ द स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स के बीच में साइन हुआ था, पोलैंड। इतना पढ़ देना बस, और कुछ पढ़ने जाती है आपको। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं डेज की। तो इंपॉर्टेंट डेज में हमारे पहले इंफॉर्मेशन क्या, हमारे पास गुड गवर्नेंस डे,
25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया दोस्तों, है ना। देखिए यहां पे, इन इंडिया गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द 25 दिसंबर। हमको पता है क्यों। ऑन दिस डे द नेशन सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भारत रत्न एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल जी। तो 25 दिसंबर को अटल जी का बर्थडे होता है, इसी मौके पे हम लोग गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे वॉज एस्टैब्लिश इन द 2014 टू ऑनर द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये देखें ना, तो मतलब ये डे 14 में शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा, इन 2015 मिस्टर वाजपेयी वॉज कन्फर्ड द भारत रत्न अवार्ड, इंडिया हाईएस्ट सिविल अवार्ड। तो एक पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमें पूरा क्लियर ही है, 14 में ये अवार्ड बना, 15 में वाजपेयी जी को भारत रत्न मिला, ये सारे पॉइंट हमें क्लियर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रिविजन पॉइंट इंपॉर्टेंट वीक्स। मुझे किसी ने कल पेड में बोला था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट वीक का आप दे देना। देखो यहां पे, आपने इंपॉर्टेंट वीक का कंपाइलेशन मुझसे मांगा है तो मैं दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक अक्टूबर 1 से 7, वाइल्ड लाइफ वीक अक्टूबर 2 से 8, वर्ल्ड स्पेस वीक अक्टूबर 4 से 10, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर, ठीक। फूड प्रोसेसिंग वीक 6 से 12 सितंबर, इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ 20 से 26, संस्कृत वीक 19 से 25 अगस्त, वर्ल्ड वाटर वीक 23 से 27 अगस्त, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपने मांगा, हमने दे दी आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास, ये सारे वीक की इंफॉर्मेशन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। और हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बस ये आ रही है, 2 मिनट दीजिए, बस और 2 मिनट। ठीक है, वो वीक वाली इंफॉर्मेशन पूरी देख लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है हमारी। अच्छा भाई कहां चले गए, हैंग हो गया यार ये। थोड़ा सा एक मिनट बस, और थोड़ा सा ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फेस्टिवल की। तो फेस्टिवल एंड द इवेंट, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है गाइस। पहली इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है, तानसेन फेस्टिवल हमेशा आएगा। क्या आएगा, तानसेन कहाँ पर होता है? तो ये होता है हमेशा वेस्ट बंगाल, सॉरी एमपी, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। आपसे एडिशन पूछा जाता दोस्तों, तो वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल टू बिगिन टुडे इन द मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में तानसेन फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, ये काफी बड़ा फेस्टिवल है एमपी का, ठीक है। देखो तो इन मध्य प्रदेश द वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल 97 एडिशन, ये तुम्हें याद रखना है बस। और ये कहां पर होता है, ग्वालियर में होता है हमेशा, ठीक है। अभी ये चलेगा फेस्टिवल, जब ये फेस्टिवल खत्म होता है तो इसमें कुछ अवार्ड बांटे जाते हैं, वो भी एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। तो तानसेन फेस्टिवल की शुरुआत ग्वालियर में हो चुकी है और ये इस बार का 97 एडिशन है। जब ये फेस्टिवल खत्म होगा तो कुछ अवार्ड बांटे जाएंगे जो वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए 97th एडिशन तानसेन फेस्टिवल ग्वालियर में, ठीक है, इतना पढ़ना है बस आपको। इसके बाद न्यूज नंबर 2, आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट एग्रीकल्चर एग्जीबिशन एग्रोविजन। तो हमारे देश के कृषि मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया, एग्रोविजन का, ठीक है। देखिए दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेशन किया है 4 दिन का एक एग्रीकल्चर एग्जीबिशन एग्रोविजन इन नागपुर। यानी पहली बात की एग्रोविजन है क्या,
तो एग्रोविजन हमारे देश में एग्रीकल्चर का एक एग्जीबिशन है। एग्रोविजन कहां पे? नागपुर में ही हो रहा है। एग्रोविजन नागपुर, एग्रोविजन नागपुर किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। 4 दिन का एग्रीकल्चर एग्जीबिशन एग्रोविजन नागपुर में ही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो फेस्टिवल्स में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, अब बात स्टेट करते हैं। तो स्टेट लेवल न्यूज में हमारे पहले इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास हो चुका है यहां पे। तो कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, आफ्टर द उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या पॉइंट हमारे पास है, तो यहां पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या नाम है, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 21, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, ये नाम है इस पूरे बिल का। वॉज पास्ड इन द असेंबली, द बिल इज पॉपुलरली नोन एज द एंटी कन्वर्जन बिल। तो कर्नाटका ने अपने स्टेट में, अपने विधानसभा में एक बिल पास किया है, बिल का नाम क्या है, एंटी कन्वर्जन बिल, ऐसे नॉर्मल सेंस में, वरना कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 21। इस बिल का क्या मानना है, देखिए यहां क्या बोला गया, देखिए ये पूरा पढ़ने तो नहीं है। इस बिल में बोला गया कि मतलब अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती, गलत तरीके से, अनुचित प्रभाव से, प्रलोभन से, या किसी कपटपूर्ण तरीके से किसी के भी धर्म का मतलब वो चेंज करता है, तो व्यक्ति गिल्टी माना जाएगा, वो व्यक्ति गिल्टी माना जाएगा, ठीक है। ये पढ़ना नहीं है आपको, देखिए, इट हैज द प्रोविजन ऑफ इंप्रिजनमेंट फ्रॉम 3 to 5 years विद अ फाइन ऑफ 25,000। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करके पकड़ा गया तो उसके ऊपर 3 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना लग सकता है उसके ऊपर, ठीक। अभी रुकिए, फॉर वायोलेशन ऑफ प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द माइनर्स, ST/ST एंड वुमेन, ऑफेंडर्स विल बी इम्प्रिजनाइज्ड फ्रॉम द 3 to 10 years एंड द फाइन 50,000। अच्छा, अगर ये मामला किसी नाबालिग के साथ, किसी महिला के साथ, या ST/ST के साथ, या माइनर के साथ होता है, माइनर साथ, तो इस केस में जो जेल है वो 3 साल से लेकर 10 साल तक की हो जाएगी और आपकी पेनाल्टी हो जाएगी 50,000 रुपए, ठीक। अच्छा आप देखिए, एज पर द बिल द एक्यूज विल बी रिक्वायर्ड टू पे अप टू ₹5 lakh एज कंपनसेशन टू दोज हु वेयर मेड टू कन्वर्ट। और सुन लीजिए, इसका मतलब जो आरोपी हैं, जो किसी का धन प्रदान कर रहे हैं, उनको उसको 5 लाख अलग से देने, मतलब 25,000 पेनाल्टी है जब कोर्ट को देनी है आपको, 5 लाख रुपए अलग से देने पड़ेंगे आपको। जो देखो बिल के अनुसार आरोपियों को धर्म परिवर्तन कराने वालों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा, अप टू 5 लाख रुपीज है। एज पर बिल द एक्यूज विल बी रिक्वायर्ड टू पे अप टू ₹5 lakh एज कंपनसेशन टू दोज हु वेयर मेड टू कन्वर्ट, ठीक है। आगे देखिए, इनकेस ठीक है, जो आरोपी हो, ठीक है, सही है। इन केस ऑफ द मास कन्वर्जन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 3 to 10 years जेल टर्म अलोंग विद अ फाइन ऑफ ₹1 lakh। और अगर कहीं पर सामूहिक धर्मांतरण हो रहा है, सामूहिक, तो उस केस में 3 से 10 साल तक की सजा है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास है आपके लिए, ठीक है। फिर पूरी इंफॉर्मेशन देख लें एक बार। तो कौन सा बिल है? अबाउट कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन बिल। इसका मतलब क्या हुआ, फिर देख लीजिए, इसमें प्रोविजन जो रखा गया है वो 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है और 25,000 रुपए जुर्माना है। लेकिन अगर ये जो केस है, अगर वो केस किसी माइनर केस में होता है, ST/ST या वुमेन केस में, तो वहां पर जो जेल है वो 3 से 10 साल की है और 50,000 रुपए जुर्माना है। इसके अलावा एज पर बिल, इसके अलावा जो एक्यूज है उसको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे परिवार को उसके, जिसका उसने धर्म प्रदान कराया है, 5 लाख रुपए, ठीक। और मास कन्वर्जन में 3 से 10 साल की जेल है और आपका 1 लाख की पेनाल्टी है आपकी, ठीक है। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, और यहां पर मतलब हरियाणा की। तो ड्रिंकिंग एज लोअर्ड फ्रॉम द 25-21 हरियाणा, यानी जो लोग ड्रिंक करते हैं, मतलब जो लोग अपना वो समझे ना मेरी बात, तो ड्रिंकिंग करने की जो एज है वो 25 साल से 21 साल कर दी गई है हरियाणा में। पहले इसकी एज लिमिट थी 25 साल, अगर आप उसके नीचे हो, आप ड्रिंक करते हो, वो इलीगल है, तो उसको 21 साल कर दी गई है, ठीक है। तो एक बात हमारे ये हो गई, ये कहां पर हुआ है, हरियाणा में हुआ है। तो हरियाणा गवर्नमेंट पास द हरियाणा एक्साइज अमेंडमेंट बिल 21 इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोअरिंग द मिनिमम एज ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल फ्रॉम 25-21 ईयर्स। तो एक पॉइंट हमारे पास ये दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारी बात दोस्तों, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, तो यहां पे हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है और हम अपने बैचेस की बात करेंगे दोस्तों। 20
9 दिसंबर को मेरा दो बैच आ रहा है, और ये दो बैच की टाइमिंग क्या है, एक टाइमिंग है 3 PM पे और एक की टाइमिंग है आपकी 9 PM पे। 3 PM पे जो बैच है वो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डीप में पूरा, ठीक है, और 9 PM पे जो बच्चे IBPS क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है, जहां पर हम लोग प्रॉपर अगस्त मंथ से करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं, दो बैच है, ठीक है। और इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा कोड यूज करना पड़ेगा, यूज AVP10 कोड है हमारा, इसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अभी आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे गाइस तो आपको आस्क अ डाउट फैसिलिटी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग कोर्स के दौरान कोई क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ नहीं पाते हो या कोई डाउट है तो आप अपने एप्लीकेशन पे जाओ, डाउट एंड सॉल्यूशन पे, वहां क्लिक करो आस्क अ डाउट, जो भी आपके पास डाउट है उसकी इमेज की जो अपलोड कर दो, आपको अनअकैडमी की तरफ से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फिर से आपका बैंक कॉम्बैट होगा। अब बैंक कॉम्बैट की नई स्लाइड है नहीं मेरे पास तो आपको हम दिखा देंगे, अभी तो बस देख लो कि 10 PM पे बैंक कॉम्बैट भी आपका होता है दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी आपको आइकॉनिक फीचर प्रोवाइड कर रही है। आइकॉनिक फीचर का मतलब क्या होता है, जब आप बैंक एग्जाम के लिए कोर्स परचेस करोगे अनअकैडमी पर तो अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक प्लस कोर्स और एक आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलती है प्रायोरिटी इन द लाइव डॉट सेक्शन या फिर जो रेज योर हैंड होता है, तो पहले आपको मिलेगी प्रायोरिटी उसके बाद किसी को मिलेगी, तो उसकी फीस अधिक है। 24 महीने के लिए आपकी फीस है 9,360 रुपए, ठीक, 12 मंथ के लिए है 7,800 रुपए, और इसमें आप डिस्काउंट दे सकते हो कोड AVP10 से, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं 9+ की, अगर आप प्लस लेते हो तो प्लस में आपकी फीस कितनी है, दो साल की 7,800 रुपए और एक साल की 6,500 रुपए, और यहां पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा AVP10 से 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको प्लस में फायदा भी है, अगर आप नए यूजर्स हो और बैंक एग्जाम को परचेस करते हो तो एक साल के कोर्स पर आपको हम 3 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, और दो साल में आपको हम 6 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको हम 6 मंथ पे 1 मंथ का और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, बाकी सेम प्लान आपके लिए यहां पर है, ठीक है। और हाँ, वो सही बात है कि आपको हमारा ये कोड लगाना है AVP10 और आपको एडमिशन लेना है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारे पास जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में।